अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं यार आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखिएगा। और यार देखो मैं अपने मंकी बेबी के लिए कितने सारे बनाना लेके आया, ये सारे खा जाएगा एक दफा में। आज ये सारे उसके आगे डाल देने हैं। इसको बंद क्यों किया हुआ है बेचारे को, कब से यार ये शोर मचाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। ये ना मेरे पास नहीं आ रहा था, मैंने इसीलिए इसको बंद कर दिया। दोस्तों जो हमारा मंकी बेबी है ना यार, वो इतना शैतान है, सारा दिन ना हमारे जो ये रैबिट्स है ना इनके पास ही घुसा रहता है, कभी इनके ऊपर बैठेगा, कभी क्या करेगा, और हमसे ना बिल्कुल भी दोस्ती नहीं लगा रहा, ना हमसे फ्रैंक हो रहा है। और हम इसको ना टेम करने की ट्राई कर रहे हैं कि ये टेम हो जाएगा ना फिर बड़े ना शुगल मुगल लगाया करेगा। अभी इसको ना जिक्की ने बंद किया हुआ इस वाले केज के अंदर, और ये देखो इसकी कितनी ज्यादा ना मतलब शोर कर रहा है, चीखे मार रहा है तब से, और इसके लिए बनाना भी लेके। ये सिर्फ बनाना के लिए मेरे पास आता, वैसे नहीं आता ये। इसको बनाना दिखाते हैं ना, मुझे लग रहा है इसको ना भूख लगी हुई है, आएगा अभी बनाना खाने। हाँ ये देखो, वैसे बहुत मतलब ही है हमारा मंकी। बनाना हमारे पास होगा ना भाग के हमारे पास आ जाएगा, बनाना नहीं होगा फिर हमारे पास नहीं आता है। के लिए मैं जंजीर भी लेके आया हूँ। हाँ, और ये गले का ना पास ही रखा करो, पटा भी लेके आए दोस्तों हम इसको ना। अब हम फुल टेम करेंगे, हम हर वक्त ना अपने पास रखा करेंगे। और हाँ कल मैं बाजार गया था भाई, अपने मंकी बेबी के लिए पैम्पर भी लेके आया हूँ मैं, तो अभी हमारा जो बेबी मंकी है ना उसको हम पैम्पर शैम्पर लगा के और इसको जंजीर वगैरह बांध के, और फिर इसको प्यारे प्यारे ना क्यूट क्यूट बच्चों के जो छोटे कपड़े नहीं होते वो भी लेके आए हैं, और वो भी ना इसको पहना के फिर इसको ना फुल टेम करेंगे। चलें जी अभी आ गया ये बाहर, ध्यान से और जल्दी से ना इसको ना ये पटा बांधो, और ये देखो इसको बनाना बनाना खिलाएंगे भाई, बनाना खाएगा, सारे बनाना दूंगा आज मंकी बेबी तुमको, अगर तुम ना बस आराम से हमारे साथ दोस्ती लगा के रहोगे ना तो सारे ये बनाना सारे एक दफ़ा में दे दूंगा, वरना एक बनाना मिलेगा बस। तो ना अभी इसको जल्दी से ना ये पटा बांधते हैं भाई। हमने जंजीर बांध दी है अपने मंकी बेबी को, और इसको ना ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा कि इसको ना आज हमने जंजीर से बांध दिया है। ये देखें कैसे शोर कर रहा है और ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा है। हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, अच्छे से दोस्ती लगा लो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, ना तुम्हें ये जंजीर लगाएंगे, ना तुम्हें ये गले में पटा बांधेंगे, बस थोड़ा टाइम हमारे पास स्पेंड किया करो। हमारे पास भाई ये टाइम वगैरह कोई स्पेंड नहीं करता है, सारा दिन ना बस रैबिट के ऊपर चढ़ा रहता है, उनके जो बाल हैं नरम नरम गुदगुदे के ऊपर पटा खोलने की कोशिश करता है ये। इसको ना अभी चलो यार बनाना तो देना बनता है इसे की ये। आ, बनाना तो देना है। ओह ये देखो यार इसको तो लग रहा है बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जैसे इसको बनाना दिया ना दोस्तों जंजीर भी अभी नहीं पकड़ी हुई और यहीं पे बैठा हुआ है, इतना ज्यादा ये ना मतलब ही है। अभी इसकी जंजीर भी हमने नहीं पकड़ी हुई है, और अभी देख लें कैसे कर रहा है खाने के लिए। चलो जी ये देखो हमारे जो भाई हमारे पिजन्स है ना वो धूप सेक रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको ना सर्दी लग रही है, जिसकी वजह से ना ये अभी यहाँ धूप में आके बैठे हुए हैं, क्योंकि केज के अंदर ना हर वक्त छांव रहती है, ऊपर भी छत है ना, तो जब इनको हम बाहर निकालते हैं या दरवाज़ा वगैरह ओपन करते हैं, पानी वगैरह इनके लिए भी रखा है ना, तो अभी ये सारे ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर ना फिर ये यहाँ धूप के अंदर ना बैठ जाते हैं, और यहाँ पानी है इसके अंदर नहा भी लेते हैं, फिर जब दोबारा से सर्दी लगती है ना फिर दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं ये। और भाई ये हम अपने क्यूट वाले रैबिट के लिए चारा लेके आए हैं यार, ये इतने शौक से खाते नहीं है इस वाले चारे को, पता नहीं क्या वजह है। इनका ना पेट भरा होता है, ये जब उनके लिए डाइट डालते हैं ना बाजरा वगैरह, ये बाजरा खा लेते हैं इसलिए ये नहीं खाते ये। दोस्तों हमारे जो रैबिट्स हैं ना जब बाजरा वगैरह डालते हैं ना तो उसको भी खा लेते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारा बेबी मंकी है ना ये देखें अभी कैसा ड्रामे लगा रहा है। इसको हमने बांध दिया है इस वाले पिलर के साथ, ये ना बाजरा भी खाता है, और उसके बाद हम अपनी मिनी फौज के लिए जो फीड वगैरह डालते हैं ना ये उसको भी बहुत शौक से खाता है। हाँ जिक्की फिर डाइट डाल देते हैं, पानी तो इधर डाला हुआ है ना, बस इनको डाइट डाल दो फिर ये ना सारे खुद ही बाहर आ जाएंगे। यार डाइट थोड़ा बाद में डाल देंगे, तो हमने जो मंगवाया था ना हैवी बफ वो आ गया, तो वो मैं लेके आता हूँ, उसके बाद डाइट डालते हैं। चलिए सही है दोस्तों, हमने ना अपने मिनी जू के लिए ना ब्लैक हैवी बफ है ना वो जो मुर्गियाँ होती हैं फैंसी किस्म की बड़ी बड़ी वो लेके हमने मंगवाई हैं, तो ना अभी वो जिक्की लेके आता है ना फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली ना जिक्की लेके आ गया हमारी ब्लैक हैवी बफ का, हमने पूरा सेट मंगाया जिसके अंदर तीन फीमेल है और एक मेल है। ये राजी जिक्की ने ये दो जो है ना ये उठाई हुई हैं, ये दोनों फीमेल हैं, इनको छोड़ना नीचे, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, और एक ये वाली फीमेल है दोस्तों
और एक इनके साथ मेल है, ये वाला है। इसको देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा है यार, क्योंकि इसको पकड़ना और ये कितना खतरनाक भी लग रहा है ना। हाँ ये खतरनाक है जो इतना बड़ा है, देखो ना ये देखो माशाल्लाह से। ये ना पूरा सेट हमने मंगाया था और वो ऐसे नहीं दे रहे थे, एक मेल एक फीमेल, उन्होंने बोला तीन फीमेल हैं और एक मेल है, ये लेके जाना है तो ले जाओ। तो हमने बोला ठीक है ये ना हमें आप भिजवा दो, तो उन्होंने हमें भिजवा दिया था यार। इससे तो कील भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। हाँ ये देखें दोस्तों इसके ना पाँव पे ये कील हैं यार, ये देखो कितने मतलब ख़तरनाक है। और इन्हीं से इन्हें मुझे लग रहा है ये लड़ते हैं, है ना। हाँ ये लड़ाई करते हैं इन्हीं से। और इसके पाँव ये इतने रेड रेड क्यों हुए पड़े, ये क्या हो रहा है? नहीं पाँव है ही ऐसे ही इसके, देखो ना ये ऊपर तक है। हाँ ये देखें इसकी जो ये इसमें भी ऐसे ही है। हाँ पाँव के एक साइड से जो स्किन है ना वो रेड है जी। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी कलगी चेक करें, और ऊपर से भी कितनी बड़ी है और नीचे से भी ये देखें कितनी बड़ी है। और इस पर बाल यार जिक्की बहुत ज़्यादा है यार। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा साइज़ का मुर्गा ना वो पहली दफ़ा देखा है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। और इसके साथ जो इसकी फीमेल है ना दोस्तों वो भी ये देखें यहाँ पे, ये एक ये वाली है, ये वाइट के अंदर है और वो ग्रे के अंदर है और ये ब्लैक के अंदर है। तो ये भी ना माशाल्लाह से देखें इनका जो है ना कितनी बड़ी बड़ी है, और इनके बाल भी कितने बड़े बड़े हैं। और इनका जो मेल है वो तो भाई माशाल्लाह से है ही बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा यार ये तो फिर अंडे भी बहुत बड़े बड़े देते हैं उनकी, क्या ख्याल है? ये तो अब हमारे पास आए हैं ना, आप पता चले ये कितने बड़े अंडे देते हैं छोटे देते हैं। हाँ अंडे भी दोस्तों ना ये मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े बड़े देंगे, क्योंकि जो आम मुर्गी है ना आम मुर्गी उससे तो ये तकरीबन ना तीन गुना बड़े से आते हैं। तो चलो इनको ना अभी छोड़ते हैं यहीं पे, और देखिए इसको भी छोड़ दो नीचे, और इनको ना अभी डाइट डालते हैं। और ये देखें हमारा जो बेबी मंकी है ना, मुझे लग रहा है उसको ना बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा कि उसको ना हमने बांध दिया हुआ है, लेकिन इसको ना अभी नहीं छोड़ना। इसको देखो इसने तो कैसे इधर सारी जंजीर में ये देखें इधर उधर घूम घूम के ना सारी जो इसकी जंजीर थी ना इसने ऐसे कर ली है। कोई नहीं खुद ही कर लेगा बाद में, रहने दो कि अभी डाइट डाल रहा है ना, तो हमारा ये जो ख़तरनाक वाला बड़ा मुर्गा है ना भाई ये डाइट खाने आ गया है। और हमारे जो पिजन्स हैं मुझे लग रहा है इससे डर रहे हैं। हाँ ये वाली मुर्गी नहीं डर रही, और ये इसकी फीमेल भी आ गई है यहाँ पे। जिक्की अब जो पिजन्स है ना उनके लिए अलहदा डाइट डालना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ना हमारे इस मुर्गे से ना ये अभी थोड़ा डर रहे हैं। वो देखें वहाँ से वो हटा है ना, तो अभी वहाँ पर डाइट खाने आ गए। और ये हमारी सारी मुर्गी आ गई। मिनी फौज को डाली है? मिनी फौज को मैंने फीड डाली हुई है। मिनी फौज को दोस्तों हमारी ना फीड डाली, और माशाल्लाह से ये देखें आज तो नहीं मरे थे इनमें से कोई? नहीं मरे तो नहीं है, वैसे तो डेली डेली बीमार लग रहे हैं। वो देखें। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।